मीरब को अब उसकी असीयत महसूस हो रही है। मुर्तसिम मीरब को उसके वालदैन के घर के बाहर छोड़कर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी की आज़ादी मुबारक, और मुर्तसिम मीरब को बाहर ही छोड़कर चला जाता है। मीरब की अब हिम्मत नहीं हो रही कि वो कैसे अपने माँ बाप का दरवाज़ा खटखटाए, इसलिए मीरब वहाँ पर दरवाजे के बाहर ही सो जाती है। जब सुबह होती है तो मुलाजमा देखती है कि मीरब दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ी है, तो वो जल्दी से अंदर जाती है और मीरब के वालदैन को खबर करती है। वो फौरन बाहर आकर मीरब को जगाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मीरब अपने वालदैन को सब कुछ बता देगी या फिर उन्हें आधा अधूरा सच ही बताएगी। तो दूसरी तरफ हया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो मीरब को घर से निकलवा कर काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, जिसके बाद वो मरियम के पास जाती है और उससे कहती है कि कल तुम्हारा नोरेस के साथ निकाह है। मरियम को हया के चेहरे पर खुशी वाज़े नज़र आ रही है कि मीरब को निकलवाने के बाद ये किस कदर खुश दिखाई दे रही है, मगर इसकी खुशी ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, इसके बारे में हम आगे जाकर बात करते हैं। और हया मरियम से मज़ीद कहती है कि खुशी में मैं तुम्हें एक और चीज़ तो दिखाना भूल ही गई, बंदा खुशी में भूल ही जाता है। और हया अपने दुपट्टे में लिपटी चाबियां बाहर निकाल कर मरियम को दिखाती है और मरियम से कहती है कि ये चाबियां। मरियम कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन सवालिया भरी नज़रों से वो चाबियों की तरफ देखती है। तो हया उससे कहती है कि ये तुम्हारे कमरे की चाबियाँ हैं जो माँ बेगम ने मुझे दी हैं और मुझे कहा है कि जब मैं बाहर निकलूं तो तुम्हारे कमरे को लॉक लगा दूं ताकि तुम दोबारा भाग न जाओ। हया की ये बातें मरियम को काफ़ी तकलीफ दे रही हैं। तो दूसरी तरफ मुर्तसिम जो मीरब को खोने के बाद सारी रात घर से बाहर रहा और आखिरकार ये सदियों भरी रात भी गुजर ही गई और सुबह हो गई, वक्तों से अपने मालिक की ये तकलीफ़ देखी नहीं जा रही, इसीलिए वो मुर्तसिम से कहता है कि मालिक अब घर चलते हैं, आज मरियम बीबी का निकाह है। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि बख्तो किस्मत का खेल भी कितना अजीब है, दो टूट गए हैं और दो जुड़ रहे हैं। बख्तो फिर से पुकारता है कि माँ बेगम का फ़ोन आया था, वो आपको याद कर रही हैं। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि जिसे हम याद कर रहे हैं उसका क्या, और हमारे दिलो दिमाग में जो है उसका क्या। चलो बख्तो दिल के दर्द पर चादर डाल कर दुनियादारी निभाते हैं, बाप की गद्दी संभालते हैं, बहन का फ़र्ज निभाते हैं, मोहब्बत जाए भाड़ में। और नासरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुर्तसिम के इन अल्फाज ने रुला कर रख दिया होगा। आगे आप देखेंगे कि मरियम के निकाह का वक्त होता है और मरियम माँ बेगम के सामने एक शर्त रखती है और कहती है कि मैं नोरेस से निकाह उस सूरत में करूँगी जब मेरे निकाह में मीरब भाभी भी शिरकत करेगी। मरियम की इस बात पर माँ बेगम के पास कोई और चारा नहीं होता और वो मरियम की बात मानकर मीरब को उसके निकाह में शिरकत करने की दावत देती है। और ये बात हया पर कयामत बनकर टूटती है कि मीरब फिर से इस घर में वापस आ रही है, और अगर वो इस घर से वापस नहीं गई तो उसका क्या होगा। नाज़रीन अब तेरे बिन ड्रामे की आने वाली एपिसोड काफ़ी इमोशनल होने वाली है, देखना मत भूलिएगा।